आज हम पंजाबी राजमा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। राजमा बनाने के लिए हमने रात को 2 कप राजमा पानी में भिगोकर रख दिए हैं। राजमा का मसाला बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए जिसको हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटर चाहिए जिसको हमने काट लिया है, और अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, और कुछ तुरियां हमें लहसुन की चाहिए। सबसे पहले हमने प्याज, लहसुन और अदरक को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हमने टमाटर को मिक्सी में अलग से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको अपने खाने में तीखा पसंद है तो इसमें कुछ हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मसालों में हम लेंगे सूखी लाल मिर्च, देगी मिर्च जो सब्जी को रंग देगी, हल्दी, साबुत जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, तेज पत्ता, गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर। इन मसालों को आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में जो हमने रात को राजमा भिगोए थे वो डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच उसमें तेल डालेंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए और जब तक 6 से 7 सीटियां ना बज जाएं प्रेशर कुकर की, तब तक राजमा को उसमें पकने दीजिए। राजमा का मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1 कड़छी सरसों का तेल लिया है। अगर आप अपने खाने में हींग पसंद करते हैं तो इसमें 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। उसके बाद जीरा, लाल मिर्च और जो हमने प्याज, लहसुन और अदरक का मसाला पीसा था अब वो डाल दीजिए और सब चीजों को अच्छी तरह से भून लीजिए। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें जो ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं वो डाल दीजिए। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें सबसे पहले हम गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और देगी मिर्च डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, 1-2 मिनट और पका लीजिए और उसके बाद ये तड़का तैयार है राजमा में मिक्स करने के लिए। जिस प्रेशर कुकर में आपने राजमा पकाए हैं उसी प्रेशर कुकर में ये तैयार किया हुआ तड़का ऐड कर दीजिए और हल्की आंच में राजमा को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए और पकने दीजिए। इससे आपके राजमा जो है वो सारा मसाला अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये राजमा अब तैयार है। इसे सर्व करने से पहले आप धनिए से गार्निश कर सकते हैं। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ इंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ ये शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके पास राजमा की कोई यूनिक रेसिपी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।